अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबर। नवाबों की तरह बोली बोलने वाले, नवाबों की तरह शान और शौकत में रहने वाले हमारे गोशा महल के MLA राजा सिंह ने फिर आज एक बार भड़काऊ भाषण दिया हमारे MP असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ। जब जब राजा सिंह को गुस्सा आता है वो फेसबुक पे आ जाते हैं और एक भड़काऊ भाषण देते हैं, और जब जब इनको ज़्यादा गुस्सा आता है अपनी बुलेट गाड़ी निकालकर मच्छरों को मारने निकल जाते हैं। कभी मच्छरों को मारते हैं तो कभी भड़काऊ भाषण देते हैं। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं राजा सिंह का ये बयान। एक तरफ से एक मौलवी कहता है, फतवा जारी करता है कि BJP को वोट नहीं करना, एक तरफ हमारा साला OAC आता है और ये कहता है कि हमें BJP के विरोध में वोट करना है, JDS को हमें वोट करना है। भारत माता की जय, जय श्री राम। कर्नाटक के सभी हिंदू वीरों को मेरा ये पर्सनल मैसेज। कर्नाटक में कल प्रचार समाप्त हो गया है और कल यानी 12 मई के दिन कर्नाटक पूरे राज्य में कल पोलिंग होंगी, यानी वोट गिरेंगे। और सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही मैसेज बना रहा हूं। मेरे हिंदू भाइयों, क्या आप नहीं चाहेंगे कि कर्नाटक में हिंदू सुरक्षित रहे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि कर्नाटक में जब BJP की सरकार थी वो समय पर गौ हत्या पर प्रतिबंध था, लेकिन आज जैसा ही कांग्रेस की सरकार आई गौ हत्या पर प्रतिबंध हटाकर खुलेआम गाय गौ माता को काटकर यहां से दूसरे दूसरे राज्यों में गौ मांस भेजा जा रहा है। एक तरफ से एक मौलवी कहता है, फतवा जारी करता है कि BJP को वोट नहीं करना, एक तरफ हमारा साला OAC आता है और ये कहता है कि हमें BJP के विरोध में वोट करना है, JDS को हमें वोट करना है। एक तरफ हर वो व्यक्ति अपने अपने राजनीति करता है, जातिवाद पर राजनीति करता है। मेरे भाइयों, हमें हमारे धर्म को बचाना है, हमें हमारे कर्नाटक को बचाना है। आप सबको पता है 24 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को, BJP के कार्यकर्ताओं को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो कमीने हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उन्होंने टारगेट करके हमारे हिंदुओं को मारा है, मर्डर किया है। हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर कन्वर्शन करके उनका धर्म परिवर्तन किया है, क्या आप नहीं जानते? मेरे भाई, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये आपके हाथ में है। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, दिल से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, कमल के फूल को वोट करे। कर्नाटक के सभी हिंदू वीरों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलमपनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलमपनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलमपनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलमपनाह, आलमपनाह, आलमपनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलमपनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलमपनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 0402450 1565।